तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हम गाइस आज खेलने जा रहे हैं सीएस रैंक मैच, और गाइस आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो हाँ गाइस, जिसने भी गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस लाइक कर लेना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सूचना दे देता हूँ गाइस, ध्यान से सुनना गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस। मैं वीडियो के बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर बताऊंगा कि आप ग्रैंड मास्टर कैसे लगा पाओ, जैसे कि अगर आप नहीं लगा पाए हो तो कैसे लगा पाओ, और नेक्स्ट सीजन आप तो रीजन लगा लोगे, ठीक है। तो गाइस मैं इसी वीडियो के बीच में जरूर बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं हो करा हो तो गाइस एक बार फिर से बोल रहा हूँ कर लेना। तो चलिए गाइस बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर ना एक राउंड मैंने जीत लिया था यहाँ पर, बट लेकिन गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पर दो बंदों को डाउन करा ना, जैसे ही गाइस मैंने दो बंदों को डाउन करा और मैं जैसे ही तस्वीर करेक्टर यूज़ करके जाने लगा यार, बट लेकिन पीछे से मेरे मतलब ऊपर से एकदम से ड्रॉप आया और मेरे ऊपर आके गिर गया। बट लेकिन गाइस उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरी गलती है, मेरे को देखना था। बट लेकिन गाइस मैं तो भाग रहा था ना, वे तो क्या भाई गरीना वालों को देखना था कि भाई ये यहाँ पर एक बंदा आ रहा है, रुक जाओ इसको ड्रॉप को इधर ही रोक दो। भाई नहीं भाई, उन्होंने तो सीधा मेरे सर पे ही ला के टपका दिया है एक बारी में ही, ठीक है। और गाइस ये भी नहीं कि मैं डाउन हुआ, भाई सीधा यार धरती में ही गाड़ दिया मेरे को, तो एलिमिनेट ही कर दिया, ठीक है। तो गाइस कोई नहीं गाइस, यहाँ पर ना अब हम हार चुके थे एक राउंड, ऐसे गाइस ये हार ही जाएंगे। तो गाइस हम यहाँ पर ये वाला राउंड हार ही चुके थे, और गाइस अब अपना निकल लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो गाइस अब हमारा ना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका था। तो गाइस मैं यहाँ पर एक्समेट खरीद लेता हूँ, एक्समेट नहीं गाइस M4A1 खरीद लेता हूँ, एंड ग्लोल वगैरह मिल गए मेरे को, हेलमेट मिल गया एक, ठीक है। तो गाइस ना यहाँ पर गाइस हम नेक्स्ट राउंड की तरफ भी हम निकल चुके थे, और गाइस सामने की साइड से गाइस बंदा जा रहा था, मैंने उसको काफ़ी डैमेज दे दिया है, बट लेकिन उस राइट वाला बंदा उसको कवर देने लग रहा है। तो गाइस उसने भी मेरे को काफ़ी डैमेज दिया, सामने साइड से कोई बंदा जा रहा है भाई, मतलब इसकी मेरे पे ही नज़र है, रुक तेरे को बताता हूँ। अरे भाई गाइस इसको यार हेलमेट की वजह से गाइस ये यहाँ पर 113 का डैमेज लगा, बट लेकिन गाइस मेरा 200 से ऊपर का डैमेज लगता है इस बंदे को। बट लेकिन गाइस उस बंदे ने यहाँ पर मेरे को नेट डाल के मेरा फ्रेंड यहाँ पर बचाने भी आ गया, बट लेकिन यार मैंने तो इसको भी हेडशॉट मारा था ना यार, फिर भी नहीं मरा इस बंदे से, क्या ही नूब है भाई बंदा। बट लेकिन गाइस कोई नहीं गाइस, इनको हम हराएंगे ज़रूर। तो गाइस अब बता देते हैं गाइस हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स। जो गाइस फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है गाइस, वे है मेरी कैली करेक्टर की पैसिव स्किल है गाइस। कैली करेक्टर का क्या फ़ायदा, जैसे कि गाइस उनकी टीम में गाइस कोई भी कैली नहीं लेके आए और वे उनमें नेडर हो गाइस कोई, ठीक है। तो गाइस आपका क्या फ़ायदा गाइस, आप काफ़ी स्पीड से जा सकते हो, और अगर आपके सामने बंदा है तो अगर आप मूवमेंट भी दिखाओगे ना तो गाइस आपकी मूवमेंट भी काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ होगी, एंड आपका गेम प्ले में भी अच्छा बदलाव आएगा। जैसे आप कैली हटा के खेलोगे ना गाइस, तो आपका गेम प्ले में बदलाव भी हो जाएगा यार, अच्छा भी नहीं खेल पाओगे। और अगर कैली लेके खेलोगे गाइस तो आपका मूवमेंट भी तेज़ होगा, आप तेज़ भाग भी पाओगे इससे। तो ये होता है गाइस कैली का फ़ायदा। वो जो सेकेंड पैसिव स्किल है गाइस, वे है गाइस मेरी, वे क्या कहते हैं, अलवारो को डुप्लीकेट गाइस, मेरे को नाम याद नहीं रहता, अलवारो को डुप्लीकेट है गाइस। जो ये न्यू करेक्टर है जो एक नेट से चार नेट डाल देता है, देखो जैसे मैंने नेट डाला तो गाइस मेरे चार नेट लगे और दो बंदों को डैमेज लग गया इस नेट में। और गाइस मैंने यहाँ पर बंदों को क्लियर 111 का लगा था, मैंने डैमेज तो दिया था बट लेकिन मेरा किल चोरी हो गया था। तो गाइस ये होता है अलवारो को डुप्लीकेट का फ़ायदा। तो गाइस जो थर्ड पैसिव स्किल है गाइस मेरे पास है गाइस, वे क्या कहते हैं, अरे गाइस करेक्टर का नाम भूल गया गाइस, एक सेकंड कौन सा था रुको देखने दो। हाँ गाइस जो मेरे पास ना थर्ड पैसिव स्किल थी गाइस, वे थी गाइस मेरे पास मोको। जैसे कि आप एक ओम प्लेयर हो, नेडर हो, जैसे कि आप नेट डालोगे तो अगर उसको थोड़ा सा भी डैमेज लगेगा गाइस, उसके ऊपर एक एरो का निशान आ जाएगा और आप काफ़ी स्पीड से जाके उसको डैमेज भी दे सकते हो। अगर आपके फ्रेंड को भी दिखेगा वे एरो का निशान, और आप उसको जाके डाउन और क्लियर भी कर सकते हो। ये होता गाइस मोको का फ़ायदा। जो गाइस फोर्थ पैसिव स्किल है गाइस, एक्टिव स्किल है गाइस, ये वे है गाइस अपनी तस्वीर करेक्टर का तो आपको फ़ायदा पता ही होगा। जैसे कि गाइस आप एक होम प्लेयर हो या नेडर हो गाइस, जैसे भी आपने बंदे को डैमेज दिया गाइस, वैसी गाइस स्पीड से तस्वीर करेक्टर यूज़ करके जाओ गाइस, तीन बार ये यूज़ होता है। तो क्योंकि जिसको यूज़ करके जाओ गाइस काफ़ी स्पीड से उस बंदे के पास जाके उसको मेडिकेट भी यूज़ मत करने दो गाइस, जैसे उसके पास जाओगे वैसे उस बंदे को जाकर क्लियर डाउन करके क्लियर भी कर सकते हो। तो गाइस ये होता है हमारा यहाँ पर तस्वीर का फ़ायदा। और गाइस यहाँ पर मेरे को ये बंदा रिवाइव भी नहीं कर पाया, ऑफलाइन प्लेयर था, बट लेकिन कोई नहीं गाइस, अब यहाँ पर इसने दो बंदे डाउन कर दिए थे गो। और गाइज
आज के लिए गाइज इतना ही गाइज। अगर आपको गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक कर देना, और अगर गाइज आप चैनल पर गाइज न्यू हो तो गाइज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।